शूट कर रहा था, स्टंट सी सीक्वेंस था एक घोड़े के ऊपर, थोड़ा गलत हो गया तो कमर में थोड़ी सी लग गई है, उसी की वजह से बेड रेस्ट है वैसे तो, पर अभी आप सब लोग इतने प्यार से आए हैं तो फिर आना पड़ा। नहीं वो एक्शन में लगती रहती है, काफ़ी इंजरीज होती रहती हैं तो, बट आप करते रहते हैं उन चीज़ों को तो, इंजरी पहले भी हुई हैं काफ़ी सारी, बट शूट है, आपको काम तो करना है, शो मस्ट गो ऑन, चलता रहे। जी अप्रोच तो बहुत इनिशियली कर लिया था बिकॉज मैं पाठक सर के साथ किसी और प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहा था, और एक दिन उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन बुलाया और कहा कि सरप्राइज़ है, और उन्होंने प्रिसी वाला का ऑडियो पायलट सुनाया और बोला तुम ये कर रहे हो। सो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ सुन के, क्योंकि सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी भिन्न तरह की ये कहानी है जिसके बारे में हम दादा ने जानते थे ना सुने थे, और उतना ही मज़ा इसलिए भी आ रहा है बिकॉज जो प्रोसेस है वर्क प्रोसेस है पूरा वो बड़ा अलग है। यूजुअली जो हम लोग टेलीविजन जिस तरह से काम करते आए हैं अभी तक उससे बहुत भिन्न है, क्योंकि एक नया फॉर्मेट है, एक नए तरीके से एक पहल है, एक नई कोशिश है जिसमें हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं, प्री प्लान्ड है सब कुछ, हम पहले से शूट कर रहे हैं, हमें पता है पहले से पूरी कहानी कि कहाँ से कहाँ जाने वाली है, तो प्रिपरेशन जो थी वो कुछ 8 महीने की थी और उसके बाद हमने शूट शुरू किया, तो एक नया फॉर्मेट है और वो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे काम करने में। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी है तो ऑफ स्क्रीन भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, और या तो एक जो को एक्टर्स होते हैं या तो वो दोस्त हो सकते हैं या तो दुश्मन होंगे, कोलिग्स भी हो सकते हैं, अच्छे को वर्कर्स भी हो सकते हैं, सो वी आर गुड कोलिग्स, वी आर गुड को एक्टर्स, और वो बहुत प्रोफेशनल हैं, सेट पर आती हैं, प्रिपेयर्ड आती हैं, और इसीलिए मज़ा भी आता है काम करने में, एंड थैंकफुली कि लोगों को केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो कहीं ना कहीं शायद हमारी जो मेहनत है वो अच्छी लग रही है लोगों की। खास बात यही लगी इसमें कि यूजुअली जब हम इस तरह के शोज़ के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल है, वॉर सीरीज़ है, हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लड़का होगा, तलवार लेकर आएगा, घोड़े पर चढ़ेगा, 4 लोगों को मारेगा, इसके विपरीत है, लड़की ऐसा करती है, लड़का जो है वो मना करता है, लड़का जो युद्ध के खिलाफ, लड़का जो है वो प्यार की बात करता है, लड़का कवि है, लड़का जो है वो कल्चर की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, और इसी जो ये जो विचार है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एक पलट विचार जो है, और ये ऐसा कुछ नहीं कि फिक्शन है, ऐसे ही पृथ्वी वल्लभ थे, ऐसा ही वो सोचते थे, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट। ये तो मुझे पसंद है, आसान तो बिल्कुल नहीं है, आई थिंक बल्कि ज़्यादा मुश्किल होता है इन ऐसे किरदारों को करना, क्योंकि एक तो फिज़िकली बहुत टैक्सिंग होते हैं और प्लस समय बहुत लगता है इन चीज़ों को करने में, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो क्योंकि बड़े शोज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर होती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इन इस तरह के शोज़ की, और आई थिंक कहीं ना कहीं मेकर्स को फेथ है मुझ में कि मैं शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, और इसीलिए शायद मैं इस तरह के किरदार करता रहता हूँ।